यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये एक मोनोकोमेटिक लाइट है मोनोकोमेटिक मतलब सिंगल कलर इसके सामने एक स्क्रीन रखें विद अ स्लिट होल इस स्लिट को नाम दे देते हैं सी यहाँ से गुजरने वाली लाइट के सामने एक और स्क्रीन रखें जिसमें दो स्लिट्स हों ए एंड बी स्लिट ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब हैं और सी के पैरेलल हैं स्लिट ए और बी एक्ट करते हैं एज टू कोहरेंट सोर्सेज ये वेव्स हैं और ये इसके स्प्लिट होने से वेवलेट्स एक स्क्रीन को इन स्लिट्स ए एंड बी से डिस्टेंस एल पर रखा जाता है सुपर पोजिशन की वजह से इंटरफेरेंस होती है जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहाँ ब्राइट फ्रिंजस फॉर्म होती हैं और जहाँ जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, है वहाँ पे डार्क फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं अब एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस या बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस। ए एंड बी स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम कह देते हैं डी स्लिट्स से स्क्रीन तक का डिस्टेंस है एल और स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है ओ जो वेव्स स्लिट ए और स्प्लिट बी से पॉइंट ओ तक पहुंचती हैं वो एक जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं यानी पार डिफरेंस ज़ीरो होता है इस वजह से सेम फेज में पहुंचती हैं यानी क्रेस्ट एक साथ पहुंचते रहें या फिर ट्रफ जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और ब्राइट फिंच ऑब्जर्व होती है अब स्क्रीन पे एक पॉइंट पी लें यहां तक पहुंचने में स्लिट ए से आने वाली वेव कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी जबकि स्प्लिट बी से आने वाली वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को हम एस कह देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करें तो पॉइंट पी पे ब्राइट रीजन होगा बशर्ती है कि पार्ट डिफरेंस एस मल्टीपल ऑफ लेमडा हो यानी जीरो लेमडा टू लेमडा थ्री लेमडा फोर लेमडा जैसे अभी देखें ये वेव थी फिर इसके साथ ये वेव थी ये वेव वाली वेव जो है इसने कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है एक वेव लेंथ ठीक है जब ये पॉइंट जीरो पर इन्होंने इंटरफेयर किया था आपस में तो दोनों की एक जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया था तो जीरो लेमडा था अगर एक लेमडा से ज़्यादा टू लेमडा वेवलेंथ भी हो तो दोनों के क्रेस्ट या ट्रफ मीट करेंगे ऊपर जाके ठीक है इस डायग्राम को लाइन डायग्राम बनाकर फार्मूला निकालते हैं स्लिट ए और बी के सेंटर को देखें यहाँ पे हम पॉइंट ई ले, ले लेते हैं ये है लाइन ई पी पॉइंट ए से लाइन बी पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस पॉइंट को पॉइंट क्यू कह दें लाइन ई ओ और ई पी के बीच में जो एंगल है इसको नाम दे देते हैं थीटा पार्ट डिफरेंस है बी क्यू जिसे हमने एस कहा है जो कि यहाँ पे वन वेवलेंथ थी यानी लेमडा जबकि सेंटर पॉइंट ओ पे पार्ट डिफरेंस ज़ीरो था जबकि मजीद टू लेमडा थ्री लेमडा पार डिफरेंस भी हो सकते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अगर पॉइंट पी पॉइंट ओ के बिल्कुल करीब होता तो एंगल थीटा बहुत स्मॉल होता ऑलमोस्ट जीरो के केवल ऐसी सूरत में ये एंगल भी बहुत स्मॉल होगा जीरो के करीब करीब लादा इसको भी हम थीटा कह देते हैं क्योंकि उसी के इक्वल होगा अब यहाँ देखें हम इनको लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू तो एस इज इक्वल टू तो एम लेमडा और एम की वैल्यू हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन क्योंकि जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऊपर होती है वैसे ही नीचे की तरफ भी होगी अब यहाँ फोकस करें ये इन लार्ज व्यू है साइन थीटा होता है किसके बराबर सम पीपल हैव से याद करें साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाई तो इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है एस और क्योंकि वो थीटा के ऑपोजिट है और हाइपोटिन जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट होता है तो वो क्या है यहाँ पे हाइपोटिनस डी तो इसको अभी हम लोग रीअरेंज करें तो एस इज इक्वल टू डी थीटा बन जाता है और फाइनली फार्मूला एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा क्योंकि एम लेमडा हम पहले ही पढ़ चुके हैं तो ये रहा ब्राइट फ्रेंज का फॉर्मूला सेंटर पॉइंट ओ पे जीरो ऑर्डर फ्रेंज होते हैं जबकि एम प्लस माइनस वन पे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑब्जर्व होगी अबव एंड बिलो द सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे ये अंदाजा हो जाता है कि डार्क फ्रिंजेस कहाँ प्रोड्यूस होंगी जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी एम की वैल्यू होगी प्लस हाफ़ या प्लस माइनस वन एंड हाफ़ जिसको थ्री बाई टू भी लिखते हैं या प्लस माइनस टू एंड हाफ़ जिसको फाइव बाई टू भी लिखते हैं तो यहाँ फार्मूला बनेगा डार्क फ्रिंचज का एम प्लस हाफ लेमटा इज इक्वल टू डी बाई डी साइन थीटा ठीक पूरे फॉर्मूले में सिर्फ यही फर्क है कि एम के साथ प्लस हाफ लगा दिए और एम की वैल्यूज वही होंगी जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह पिक्चर को समझें ये दो वेव्स हैं देखें दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है ये, ये इस पॉइंट से लेकर एक क्रेस्ट ही एडिशनल है जो कि यहाँ पे एंड पे भी नजर आ रहा है कि ये क्रेस्ट आ रहा है इस पॉइंट पे और यहाँ पे ऊपर वाली वेव का ट्रफ आ रहा है तो ट्रफ और क्रेस्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और डार्क फ्रिंज बनती है अब इन टू ट्रायंगल्स को देखें पहला ये वाला पी ई ओ और दूसरा ये वाला ए बी क्यू दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं इनकी मदद से हम पोजिशन ऑफ फ्रिंज निकालते हैं ऑन द स्क्रीन ट्राइंगल ए बी क्यू के परपेंडिकुलर और हाईपोर्टिनूस को ट्राइंगल पी ई e, ओ के परपेंडिकुलर और हाईपोटिनूस से डिवाइड करेंगे ए बी क्यू ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है एस जबकि पी ई ओ ट्राइंगल में पी ओ परपेंडिकुलर है जो कि इक्वल है वाई के इसी तरह ए बी क्यू ट्राइंगल में हाईपोटिनूस है ए बी जिसको हमने डी लिखा हुआ है और ट्राइंगल पी ई e, ओ में हाई है पी ई क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है लिहाजा पी ई इज इक्वल टू ई ओ इज इक्वल टू जिसको हमने कहा हुआ है एल और इसको आगे फर्दर डिराइव करें तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है एस डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू डी ये तो एज इट इज ही आ गया और पी ई e की जगह हम लोगों ने लिख लेना है एल इसको री अरेंज करेंगे तो वाई इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एस डिवाइडेड बाई डी तो ये है हमारी फ्रेंच पोजीशन का फार्मूला और इस फार्मूले को याद रखने का तरीका है कि डायग्राम में जो आपने लेबल किया है इसे इसी तरह से हमेशा किया करें और राइट टू लेफ्ट डायग्राम के लेबल्स को देखें वाई इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय डी तो ये एक याद रखने का तरीका है अब अगर हमने कोई भी एम्थ ब्राइट फ्रिंज या एम्थ डार्क फ्रिंज की पोजिशन ढूंढनी हो तो उनके फॉर्मूले होंगे एल एमटा बाई टू तो दोनों में आएगा दोनों में कॉन्सटेंट होगा ये तो ब्राइट फ्रिंज में एम और डार्क फ्रिंज में एम प्लस हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे एम की वैल्यूज हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड ऑन so अब देखते हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग कितनी होगी बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज या बिटवीन टू डार्क फ्रिंज दोनों केसेस में वही जो चीज़ कॉमन है दोनों के फार्मूला में एल लेमडा बाई टू देखें पहली फ्रिंज इस पोजीशन पे बनी है जीरो पे फिर अगली वन एल लेमडा बाई टू अगली बनेगी टू एल लेमडा बाई टू अगली बनेगी थ्री एल लेमडा बाई टू पर इसी तरह जो डार्क फ्रिजेज होंगी वो पहली बनेगी हाफ एल लेमडा बाई टू दूसरी बनेगी वन एंड अफ एल लमडा बाई टू अगली बनेगी टू एंड हाफ एल लेमडा बाई टू तो ये इस तरीके से फ्रिंज बनेगी आखिर में आपको टू वीडियो लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी एनिमेशन है आपके कॉन्सेप्ट मजीद पक्के हो जाएंगे उनको देखकर मिचल सर नाम से ही पता लग रहा है इंटरफेरोमीटर यानी इंटरफेरेंस को मैयर करने वाला मीटर है कोई सबसे पहले तो ये जान लें कि ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को प्रोसेस करता है ये यूज़ होता है ताकि स्टडी कर सकें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को और मालूम कर सकें उसकी मदद से लाइट की वेव इसके काम करने का प्रिंसिपल वर्क करता है ऑन डिवीज़न ऑफ एम्पलीटूड कि इनकमिंग लाइट वेव सिल्वर ग्लास प्लेट से टकराकर स्प्लिट हो जाती है टू लेस एम्पलीट्यूड वाली वेव्स में जो कि मिरर से टकराकर वापस आती हैं और सिल्वर ग्लास से टकराकर फिर से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं दोबारा से लार्ज एम्पलीट्यूड वेव में इसके ज़रूरी पार्ट्स में टू प्लेन मिरर्स हैं M1 वन और M2 टू इनके अलावा टू ग्लास की प्लेट्स हैं A और B ग्लास प्लेट ए की बैक साइड थोड़ी सी सिल्वर्ड है ताकि जब कोई लाइट इसके ऊपर फॉल करे उसमें से हाफ रिफ़्लेक्ट हो जाए और हाफ़ ट्रांसमिट हो जाए फिलहाल मैंने ग्लास प्लेट बी को इसलिए रिमूव कर दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके काम आपको बाद में समझाता हूँ मिरर एम वन जैसा कि मैं लिख चुका हूँ मूवेबल है जबकि मिरर एम टू है ग्लास ए को बीम स्प्लिटर भी कहते हैं और ग्लास बी को कंपेन्सेटर कहते हैं ये क्या कंपेंसेट करता है ये थोड़ी देर में समझाता हूँ सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करती है ग्लास प्लेट ए पे, जो इसको स्प्लिट करता है दो हिस्सों में पहला हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर मिरर वन से टकराता है और मिरर वन से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ग्लास ए में आता हुआ हमारे ऑब्जर्वर की आई में एंटर होता है थ्रू टेलीस्कोप अगर ग्लास बी ना हो तो रे टू कम फासला तय करेगी सीधा जाएगी और सीधा वापस आएगी और अगर ग्लास भी हो तो जाते हुए भी ग्लास में से गुजरेगी और आते हुए भी ग्लास में से गुजरेगी जिसकी वजह से दोनों रेज यानी जो रे वन मिरर वन से टकरा कर वापस आएगी और जे जो रे टू मिरर टू से टकरा कर वापस आएगी दोनों इक्वल पाथ ट्रैवल करेंगी यानी पाथ डिफरेंस आई तक पहुँचने में ज़ीरो होगा यानी ट्रफ पे ट्रफ आएगा या क्रैस पे क्रस्ट आएगा नतीजा निकलेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की सूरत में ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अब अगर मूवेबल मिरर वन को हम थोड़ा सा पीछे मूव करें से लेमडा बाय फोर के बराबर तो रे वन जाते हुए भी लेमडा बाय फोर एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी और आते हुए भी लेमडा बाय फोर एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी और यूँ टोटल लेमडा बाय टू एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी यानी हाफ वेव लेंथ और ऑब्जर्वर के पास ये वाली वेव हाफ वेव लेंथ एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करके पहुंचेगी जिसकी वजह से क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ़ या ट्रफ़ के ऊपर क्रेस्ट आ रहा होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगी और फर्स्ट डार्क फ्रिंज अपीयर होगा अगर मूवेबल मिरर M1 को हम थोड़ा ज़्यादा पीछे मूव करें विद रिगार्ड्स टू रीजनल पोजिशन से इस दफ़ा लेमडा बाई टू तो रेव वन जाते हुए भी इसको देखें रे वन जाते हुए भी लेमडा बाई टू एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी और आते हुए भी लमटा बाई टू एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी और यूँ टोटल लमटा एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी यानी फुल वेव लेंथ और ऑब्जर्वर के पास ये वाली वेव वन वेव लेंथ एक्स्ट्रा पास ट्रेवल करके पहुँचेगी जिसकी वजह से दोबारा क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट या ट्रफ के ऊपर ट्रफ़ आ रहा होगा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज अपीयर होगी इससे पता ये चला कि अगर दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ लेमडा हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और ब्राइट फ्रिजज अपीयर होंगी ऑन द स्क्रीन और अगर पाथ डिफरेंस मल्टीपल्स ऑफ लेमडा बाई टू में से हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और इसके नतीजे में स्क्रीन पे डार्क फ्रिंज अपीयर होंगी इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चला कि जब हमने मिरर मूव नहीं किया था और कोई पार्ट डिफरेंस वेज में नहीं था तो हमें एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिली थी और जब मिरर को लेमडा बाय फोर मूव किया था तो पार्ट डिफरेंस हो गया था लेमडा बाय टू और हमें फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिली थी और जब मिरर को लेमडा बाई फोर मज़ीद मूव किया था यानी टोटल मूव बैक हो गया लेमडा बाई टू और इस तरह पार्ट डिफरेंस हो गया था लेमडा और हमें नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिली यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी यानी नंबर ऑफ़ फ्रिंज शिफ्ट्स वैल्यू होगी वन वन फ्रिंज शिफ्ट का मतलब होता है पार्ट डिफरेंस लेमडा और मिरर मूवड बाय लेमा बाई टू तो मूवमेंट ऑफ मिरर पी निकालने का ये फार्मूला है और इसी वजह से हम वेवलेंथ लेडा भी निकाल सकते हैं अगर नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट और डिस्टेंस मूव्ड बाय मिरर गिवन हो डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लेट ये समझने से पहले यंग्स डबल स्लेट के एक्सपेरिमेंट की पिक्चर रिवाइज करें इसमें प्लेन वेव फ्रंट के आगे सिंगल स्लिट आती है यहाँ से वेव टकराती है और कुछ पोर्शन अंदर से डिफ्रैक्ट होता हुआ आगे की तरफ जाता है और फिर आगे टू स्लिट्स में से फर्दर डिफ्रैक्ट होता है और आगे जाता है और आगे जाते हुए चूंकि टू डिफरेंट सोर्सेज बन जाते हैं तो इंटरफेरेंस होती है और इंटरफेरेंस पैटर्न के नतीजे में सेंट्रल मैक्सिमम बनता है फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड सो ऑन डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्प्लिट में डिफ्रैक्टेड वेव आगे से निकल रही है और स्क्रीन पे सेंट्रल ब्राइट काफ़ी वाइड बना रही है और कुछ एडिशनल ब्राइट बैंड भी बना रही है जो साइड पे मिलते हैं जो कि यकीनन किसी इंटरफेरेंस का नतीजा होंगे यह समझने के लिए हमें फ्रॉन होफर डिफ्रैक्शन स्टडी करनी होगी सिंगल स्लिट के थ्रू हाइजेंस प्रिंसिपल के तहत वेब फ्रंट जब स्लिट ए बी पर पहुंचती है तो उसका हर पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेंट। स्क्रीन पे मौजूद पॉइंट ओ स्लिट के परपेंडिकुलर बायोसेक्टर पे है लिहाज़ा पॉइंट ए और बी से निकलने वाली वेवलेट्स पॉइंट ओ पे इन फेस पहुँचती हैं क्योंकि पॉइंट ए और बी इक्वल डिस्टेंस पे हैं पॉइंट ओ से इसी तरह पॉइंट एक्स और वाई से निकलने वाली वेव्स भी इक्वल डिस्टेंस पे होने की वजह से सेम फेव में पहुँचती हैं लिहाजा पॉइंट ओ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में खासी चौड़ी ब्राइट फ्रेंच ऑब्जर्व होती है पॉइंट ओ के नीचे एक पॉइंट पी को ऑब्जर्व करें यहाँ पे पॉइंट ए और बी से पहुँचने वाली वेवलेंथ्स का पाथ डिफरेंस लेमडा है जबकि पॉइंट एक्स और वाई से निकलने वाली वेवलेंथ्स का पाथ डिफरेंस लेमडा बाय टू है यानी हाफ वेफ क्योंकि स्लेट के हाफ साइज से ये वेव निकल रही हैं इसी तरह क्यू और बी से निकलने वाली वेवलेंट्स का पाथ डिफरेंस भी लेमडा बाई टू है रिजल्टेंटली हमें पॉइंट पी पे ओवरऑल क्या मिलती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी क्रेस्ट पे ट्रफ या ट्रफ पे क्रेस्ट जिसके नतीजे में यहाँ पे डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व होगी अगर वेवलेंट क्यू पी का एंगल थीटा हो विद एक्सेस ऑफ स्लेट तो एंगल ए क्यू एम बी होगा थीटा जगह थोड़ी है लिहाजा दिखाने के लिए मैंने ब्राउन डॉट्स से रिप्रेजेंट कर दिया है इसका इन लार्ज व्यू देखिए हम फिर इसके बाद इक्वेशन निकालते हैं फर्स्ट डार्क फ्रेंच की सम पीपल हैव करली ब्राउन आपको याद है ना सम पीपल हैव यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाई पोटिन्यूस जो के हैं लेमडा बाई टू और डी बाय टू ये देखें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है लेमडा बाई टू ओवर हाई पोटिन्यूस डी बाई टू रीअरेंज करें तो बन जाता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा क्यों क्योंकि टू और टू कैंसल आउट हो गए याद रहे ये फर्स्ट फ्रेंच के लिए है और एम्थ ऑर्डर मिनिमा के लिए फार्मूला होगा डी थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा जिसमें एम की वैल्यू होगी वन टू थ्री एंड सो ऑन दूसरी साइड पे भी डार्क फ्रिंजेस बनेंगे और बीच बीच में लो इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे इस फॉर्मूले को हम आगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स में भी ड्राइव करेंगे और काफ़ी सारे नोमेरिकल्स भी इससे सॉल्व करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किसी लाइट की वेवलेंथ को एक्यूरेटली मैयर करना हो तो क्या इन टेप से करेंगे नहीं बल्कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे किस इंस्ट्रूमेंट का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेसिकली यंग्स डबल स्लिट की डबल स्लिट की एडवांस फॉर्म है डबल स्लिट में टू स्लिट्स थी जबकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बहुत सारी स्लिट्स हैं ग्रेटिंग बेसिकली ग्लास या प्लास्टिक की प्लेट होती है जो दो से तीन सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और टू टू थ्री मिलीमीटर की थिकनेस होती है जिस पे बहुत सारी पैरल इक्वल विड की स्लेट्स बनाई जाती हैं विद इक्वल गैप्स पूरी ज़िंदगी ये ना भूले कि ग्रेटिंग किस चीज़ का नाम है इसलिए मैंने इसको घर के गेट से याद किया हुआ है ऐसा गेट जिसमें बहुत सी पैरल लाइन्स हों पैरल स्लेट्स हों अब माइक्रोस्कोपिक व्यू ग्रेटिंग का देखते हैं इक्वली स्पेस्ड पैरल स्लेट्स हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का वर्किंग प्रिंसिपल बेस करता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइन लाइट वेव्स पे और इसी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की वजह से वेव लेंथ ऑफ लाइट को मैयर किया जाता है लाइट वेव्स ग्रेटिंग से टकराने के बाद पहले डिफ्रैक्ट होती हैं और फिर आपस में इंटरफेयर करती हैं ये एक ग्रेटिंग है मोनोक्रोमेटिक लाइट से निकलने वाली पैरल बीम्स ग्रेटिंग पे पड़ती हैं और उसकी हर स्लिट में से आगे निकल जाती हैं इनमें कुछ साथ साथ वाली स्लिट से निकलने वाली वेव्स इन फेज होती हैं और एक दूसरे को री इन्फोर्स करती हैं पैरल रेज डिफ्रैक्ट होने के बाद एंगल थीटा बनाती हैं विद नॉर्मल इन रेज को एक एक्रोमैटिक लेंस की मदद से स्क्रीन पे फोकस किया जाता है एट पॉइंट पी अगर रे नंबर वन और टू के बीच में पार्ट डिफरेंस वन वेवलेंथ हो तो वो पॉइंट पी पे एक दूसरे को री करेंगी इसी तरह कोई भी टू रेज जो कि टू कंजेक्टिव स्लिट्स में से आ रही हों डिफरेंस लैमडा तो वो पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफियर करेंगी और ब्राइट फ्रिंज नज़र आएगी लिहाजा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए शर्त है कंडीशन है कि पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू कन्जेक्टिव रेज लेमडा हो अब हम अपनी पिक्चर के इस हिस्से को थोड़ा ज़ूम इन करते हैं सबसे पहले तो ये रिवाइज कर लें कि यह एंगल थीटा कहाँ से आया देखें अगर ये यहाँ पे एंगल थीटा है तो इससे ऊपर की स्लेट से पैरल लाइन ड्रॉ करें तो उसका भी रे के साथ एंगल थीटा होगा अब ये वाला एंगल उसी तरह थीटा निकल आएगा जिस तरह डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था अब डिराइव करते हैं इसका फार्मूला ए आर इज इक्वल टू लेमडा है आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है जबकि साइन थीटा का फार्मूला यूज़ करें सम पीपल हैव यानी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाई जो कि यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है लेमडा हाई यहाँ पे है ओवर डी रीअरेंज करें तो बन जाता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा अब यहाँ फोकस करें एडजन स्लिट्स डिफर करेंगे इन पाथ बाय टू लेमडा और मजीद बाय थ्री लेमडा एंड सो ऑन जिनकी वजह से मजीद ब्राइट फ्रिजेस देखने को मिलेंगी जिनको सेकेंड और थर्ड ऑर्डर इमेज कहा जाता है और इस तरह हमारा फार्मूला बन जाएगा डी साइंथीटा इज इक्वल टू एम लेमडा ये वही फार्मूला है जो यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिजस के लिए बनाया था और सिंगल स्लेट एक्सपेरिमेंट में भी था और अब यहाँ बहुत सारी फ्रिजस के लिए फ्रिंज ग्रेटिंग में भी यही फार्मूला डिराइव हुआ है लेकिन यहाँ पे d तो सिर्फ टू स्लिट्स के दरमियान वाले डिस्टेंस को कहते हैं जबकि ग्रेटिंग के क्वेश्चन में तो d गिवन ही नहीं होता बल्कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वैल्यू गिवन होती है जिसको n कहते हैं इससे d निकालना हो तो क्या करेंगे चलें इस पिक्चर को ज़रा जूम इन करके समझाता हूँ जूम करके भी मैं फाइव बाई फाइव थाउजेंड लाइन्स तो वन सेंटीमीटर में नहीं बना सकता मगर आपको समझा दूँगा ताकि आपको याद रहे चलें ये समझें कि ये फर्स्ट लाइन है ये सेकंड है ये थर्ड है ये फोर्थ है ये फिफ्थ है ये सिक्स्थ है और करते करते ये आखिरी वाली लाइन देखें फाइव थाउजेंड लाइन तो फाइव थाउजेंड लाइन्स कवर कर रही हैं वन सेंटीमीटर की हाइट को तो सिंगल लाइन की हाइट यानी डी की वैल्यू क्या होगी वन लाइन डिवाइडेड बाई फाइव थाउजेंड लाइन्स और यूनिट सेंटीमीटर में होगी यानी जनरल फार्मूला बन जाएगा डी इज इक्वल टू वन ओवर एन तो डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग वाले क्वेश्चंस में एक फार्मूला तो ये यूज़ होगा डी साइंथीटा इज इक्वल टू एम लेमटा और दूसरा यूज होगा डी इज इक्वल टू वन बाई एन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लें जिसको हमेशा याद रखने के लिए हमने एक जुमला रट्टा लगाया था कि रिच मैन इन विनिस यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड ये देखें वीनस का शहर है जिसकी गलियों के अंदर पानी बह रहा होता है ये रिच मैन है जो एक्स्ट्रा गोल्ड यूज़ कर रहा है तो रिच मैन इन वीनस यूज एक्स्ट्रा गोल्ड और इनसे वर्ड्स बनते हैं जो कि हम राइट right साइड से शुरू कर रहे हैं सबसे बड़ी वेव्स होती हैं रेडियो वेव्स और फिर माइक्रोवेव्स फिर इन्फ्रा फिर विजिबल अल्ट्रासाउंड एक्स रेज और गैमा रेज एक्स रेज की वेवलेंथ होती है अराउंड टेन स्क्वा माइनस टेन मीटर जो कि विजिबल लाइट से भी स्मॉल है इसलिए इसको हम यंग्स डबल स्पलिट या सिंगल स्लिट या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से मैर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि एक्स रेस का साइज मैन मेड स्लिट्स के साइजेस से बहुत छोटा है लिहाजा जो डिफ्रैक्शन होगी उसके नतीजे में फ्रिजिज़ इतनी करीब होंगी कि फ्रिजिज़ में फ़र्क ही नहीं कर पाएंगे इसलिए इंसानों की बनाई हुई स्लिट्स से हम कुछ नहीं कर सकेंगे लिहाजा कुदरत के बनाए हुए सॉल्ट्स जिनको क्रिस्टल्स भी कहा जाए वो यूज़ करेंगे ये बेसिकली सॉल्ट होते हैं नॉर्मल सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं और इसमें खास बात यह है कि जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो किसी ना किसी ख़ास लेयर्ड पैटर्न में होते हैं इक्वी डिस्टेंट गैप्स के साथ और डिफरेंट क्रिस्टल्स का डिफरेंट पैटर्न होता है जैसा कि इस पिक्चर में देखें इन क्रिस्टल्स का लेयर टू लेयर जो डिस्टेंस होता है उसको डी कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट को लॉ एक्सपेरिमेंट कहते हैं क्योंकि ये एक जर्मन फिजिसट मैक्स वॉन लॉ ने इन्वेंट किया था थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट को जूम कर लेते हैं सबसे पहले तो एक्स रे से आने वाली एक्स रे बीम को कॉलीमेट किया जाता है थ्रू अ स्लिट कॉलीमेसन का मकसद होता है लाइट रेज को पैरेलल कर देना पैरेलल होकर ये पड़ती हैं क्रिस्टल पर जैसा कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल और वहाँ से डिफ्रैक्ट होकर डिटेक्टर डी के ऊपर पड़ती हैं जो कि एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है इस पे जो लॉ फोटोग्राफ बनती है उसमें एक सेंट्रल स्पॉट बनता है जिसको बहुत सारे स्पॉट्स ने सराउंड किया होता है इन स्पॉट्स को लॉ स्पॉट्स कहते हैं लॉ स्पॉट्स की अरेंजमेंट क्रिस्टल टू क्रिस्टल डिफर करती है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स दो चीज़ें प्रूव करते हैं एक ये कि एक्स रेस इलेक्ट्रो हैं और दूसरी ये कि एटम्स अरेंज होते हैं इन थ्री डायमेंशनल लेटेसिस इसी की कंटिन्यूएशन में अब हम चलते हैं ब्रैग्स लॉ की तरफ एक्सरे बीम की वेवलेंथ क्रिस्टल्स के जरिए से फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रैग्स लॉ यूज़ करते हैं ब्रैग्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया था सर डब्ल्यू एच ब्रैग और उनके बेटे डब्ल्यू एल ब्रैग ने अब हम ब्रैग्स लॉ की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे जो कि है टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा इस चैप्टर की वाहिद इक्वेशन जिसमें टू भी है बाकी सब सिर्फ डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा थी इस डायग्राम को देखें इसमें टू पैरल रेज वन और टू इंसिडेंट होती हैं एट फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर ऑफ द क्रिस्टल टू लेयर्स के बीच में सेपरेशन है डी जबकि ग्लांसिंग एंगल थीटा है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ कम्प्लीमेंट्री है याद रहे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनता है कंप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल साथ हों और मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाएं। अब टू रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम टू लेयर्स री करेंगी एक दूसरे को अगर पार्ट डिफरेंस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेव हुआ यानी लेमडा का मल्टीपल uh, हुआ जैसे कि टू लेमडा या थ्री लमडा एंड सो ऑन अब इस डायग्राम के पॉइंट्स को थोड़ा लेबल कर लें ताकि पार्ट डिफरेंस निकाल सकें इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट ए और रे आई या रे वन की एक्सटेंडेड डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं और जहां ये रे टू से मीट कर रही हैं उनको पॉइंट बी और बी प्राइम कह देते हैं और इस नीचे वाले पॉइंट को पॉइंट सी कह देते हैं ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि रिफ़्लेक्टेड रे सेम ग्लांसिंग एंगल पे बनाएगी बनेगी अब ये दो एंगल्स हमने ढूंढने हैं क्योंकि ये 90 का एंगल है तो ये हुआ 90 माइनस थीटा और ये भी 90 का एंगल है लिहाजा ये होगा थीटा इसी तरह ये भी थीटा रे टू रे वन के मुकाबले में इतना डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रही है लिहाजा पार डिफरेंस बिटवीन रे वन एंड रे टू को हम लिखेंगे बी सी प्लस सी बी प्राइम इज़ इक्वल टू एम लेमडा अब डायग्राम से हमें नज़र आ रहा है कि बी सी इज ईक्ल टू सी बी प्राइम अब देखें ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और ये हैं इनके राइट right एंगल्स ये सेंट्रल लाइन इक्वल है लेयर टू लेयर डिस्टेंस डी के अब इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल में हम बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं साइन थीटा होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाईपोर्टिनोस ये हमने किस तरह याद किया था सम पीपल हैव से और ये इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर इज ऑपोजिट टू थीटा जो कि डायग्राम दे में देखें बी सी है डिवाइडेड बाई हाई जो कि यहाँ डी है रीअरेंज करें तो बन जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल है सी बी प्राइम के तो ये दोनों इक्वल हो गए डी थीटा के अब ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं डी थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा लेफ्ट वाली दोनों टर्म्स को ऐड करें तो बन जाएगा टू डी थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा ये है ब्रैग्स लॉ की इक्वेशन और इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड करेंगे वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज पोलराइजेशन ऑफ लाइट लाइट की वेव नेचर को साबित करने के लिए उसका एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस बेहतरीन मिसालें मगर इन मिसालों से ये नहीं पता चल सकता कि लाइट वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हैं या ट्रांसवर्स। पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये सजेस्ट करती है कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इस तस्वीर में आपको इसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक कंपोनेंट की वाइब्रेशंस दोनों नज़र आ रही हैं पोलराइजेशन की डेफिनेशन है कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशंस ऑफ लाइट वेव्स आर रिस्ट्रिक्टेड यानी रोक दिया जाता है टू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जैसे कि इस डायग्राम में देखें अनपोलराइज लाइट पोलराइज फिल्टर में से गुजरने के बाद सिर्फ वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स में होती है जैसे कि लाइट वेव्स जबकि लॉन्गी वेव्स में पोलराइजेशन नहीं होती जैसे कि साउंड वेव्स पोलराइजेशन को समझने के लिए ये एक्सपेरिमेंट देखें कंसिडर करें ट्रांसवर्स वेव्स ऑन डिफरेंट स्ट्रिंग्स इनके सामने अगर एक वर्टिकल फिल्टर रख दिया जाए तो उसमें से सिर्फ वर्टिकली पोलराइज वेव पास होंगी अब अगर इनके सामने एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर भी रख दें तो ये वाली वर्टिकली पोलराइज वेव्स भी ब्लॉक हो जाएंगी ऑर्डिनरी लाइट लाइट वेव्स वाइब्रेट करती हैं इन ऑल डायरेक्शन इनको पोलराइज करने के लिए पोलराइज फिल्टर में से गुजारा जाता है सवाल पैदा होता है कि ऑर्डनरी लाइट पोलराइज क्यों नहीं है देखें इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कह लें पे जंप करता है तो एनर्जी लूज करेगा इन फॉर्म ऑफ लाइट और अगर आप गौर से एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम मोशन है जिसकी वजह से लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन डिफरेंट प्लेन्स में हो रही है इन डिफरेंट टाइम्स इन ऑल डायरेक्शंस नॉन पोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करना पॉसिबल है ऐसा करने से सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन वाली बीम बाकी रहेगी और बाकी तमाम वेव्स रिमूव हो जाएंगी और पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने के चार फेमस मेथड्स हैं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स जिसको हम डिफ्रैक्शन भी कहते हैं तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं एब्जॉर्प्शन रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग यही याद रख लें तो आपको भूलेंगे नहीं सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ये सबसे कॉमन मेथड है जो कि यूज़ करता है किसी पोलराइड क्रिस्टल को जिसको डाइकोरिक सब्सटेंस भी कहते हैं डाइकोरिक मतलब वो सब्सटेंस जो कुछ रेज एब्जॉर्ब कर ले और ये ख़ास किस्म के क्रिस्टल्स से बनते हैं जैसे कि क्वाइनाइन आयोडोसल्फेट क्रिस्टल्स बुक में टू टोरमलिन क्रिस्टल्स को इस इन सीरीज़ यूज करके पोलराइजेशन शो की गई है जो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस ये इसकी डायग्राम है जब भी लाइट किसी रिफ्रैक्टिव सरफेस पे पड़ती है जिसके नतीजे में रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट का आपस का एंगल 90 डिग्री हो तो रिफ्लेक्टेड लाइट लीनियरली पोलराइज होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेस के बीच 90 डिग्री का एंगल बने उसको ब्रूस्टर एंगल कहते हैं जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे लफ्ज रूस्टर याद नहीं रहता था इसलिए मैंने इसको रूस्टर के साथ बी लगा कर याद रखा था और स्पेलिंग तो याद ही थी रिफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल्स देखें पिछले रिफ्लेक्शन वाले मेथड से हमें यह तो नज़र आ ही रहा है कि रिफ्रैक्टेड वेव्स पार्शली प्रोलाइज होती हैं और क्योंकि बुक ने इसको डिटेल में पढ़ाया नहीं बस इसी पे इतफाक़ किया है तो हम भी इसको बस यहीं तक देखते हैं स्कैटरिंग बाय टाइनी पार्टिकल्स इसको डायग्राम से समझें एयर में मौजूद मॉलिक्यूल्स से जब अनपोलराइज लाइट टकराती है तो कुछ रेज़ अनपोलराइज कुछ पार्शली पोलराइज और कुछ कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती हैं वो रेज़ जो पैरल टू डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रेज हों वो कम्प्लीटली अनपोलराइज़ रहती हैं मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आती वो रेज़ जो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेव्स हों वो कम्प्लीटली पोलराइज हो जाती हैं इनके अलावा किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर होने वाली वेव्स पार्शियली पोलराइज होती हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन में ब्रूस्टर लॉ की इक्वेशन डिराइव करने के लिए आ सकती है सबसे पहले डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन ड्रॉ कर लेते हैं आर और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं इसलिए इसको भी हम आई लिख देते हैं अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं जो कि बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के एरिया में एयर वाले एरिया को हम मीडियम वन कह देते हैं और जिस सरफेस में रिफ्रैक्ट हो रही है उसको मीडियम टू कह देते हैं इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं एन वन और एन टू तो स्नेल्स लॉ की इक्वेशन बन जाती है एन वन मल्टीप्लाई बाय साइन आई इज इक्वल टू एन टू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ आर अब आई और आर का कोई ना कोई रिलेशन बनाना है तो इस कंप्लीट एंगल को देखें जो कि 180 डिग्री का है और ये किन एंगल से मिलकर बन रहा है एंगल आई प्लस एंगल 90 प्लस एंगल आर ये तीनों मिलकर बन रहे हैं 180 डिग्री इससे आर इक्वल हो जाता है जब 90 उस तरफ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 180 एटी माइनस नाइन्टी नाइन्टी बन जाएगा तो 90 और जब i उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा तो माइनस आई और इस आर की वैल्यू को स्नेल्स लॉ की इक्वेशन में डालें तो बन जाएगी एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन ऑफ नाइन्टी माइनस आई और साइन ऑफ नाइन्टी माइनस आई होता है इक्वल टू कॉस ऑफ आई कुछ स्टूडेंट्स की मैथ वीक है उनको ये पॉइंट समझा दूं देखें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है विद साइड्स ए बी एंड सी ये 90 का एंगल है अगर ये एंगल इसको हम थीटा कह दें तो ये एंगल कितना होगा देखें एक ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री अगर ये 90 है तो पीछे इन दोनों का सम भी 90 होगा पर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा अब देखें कॉस थीटा होता है आ, बेस ओवर हाई करली ब्राउन हेयर से तो इस केस में थीटा को देखें कॉस के साथ बेस क्या है ए तो ए लिख लिया डिवाइडेड बाय इस केस में क्या है थीटा के साथ सी तो ए डिवाइडेड बाय सी ये थीटा है अब इसी ट्राइंगल की अगर अब हम लोग साइन ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा इस एंगल का साइन ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा देख रहे हैं तो सम पीपल हैव यानी थीटा इज इक्वल टू तो परपेंडिकुलर ओवर पोटिन्यूस तो इस एंगल के केस में परपेंडिकुलर क्या है जो इसके ऑपोजिट है ए तो वो लिख लेंगे ए डिवाइडेड बाय इसके इसके केस में हाईपोर्टीन्यूस क्या है ये परपेंडिकुलर है तो ये तो बेस है तो ये हाईपोटी है सी देखें दोनों तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू तो साइन ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा तो ये हम लोग अब यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं साइन ऑफ नाइन्टी माइनस आई इज इक्वल टू तो कॉस ऑफ आई इसको रीअरेंज करेंगे साइन ऑफ आई कॉस आई इधर ले जाएंगे साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आई इज इक्वल टू तो एन टू डिवाइडेड बाई एन वन और साइन आई बटा अस आई क्या होता है टेंजेंट आई इज इक्वल टू एन टू डिड बाय एन वन और ये है आपके ब्रूस्टर्स लॉ की इक्वेशन एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइज लाइट हम टोटल पांच एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ऑफ पोलराइज लाइट्स उनमें सबसे पहली है रिड्यूसिंग ग्लेयर ग्लेयर हमारी आंखों में तब आती है जब लाइट रोड्स या लेक्स जैसी किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़े रिफ्लेक्टेड रे पार्शली या फिर कम्प्लीटली पोलराइज होती है इसीलिए लिए सन ग्लासेज में पोलराइज डिस्क यूज़ की जाती हैं ताकि पोलराइज लाइट को एवॉइड किया जा सके इसी तरह फोटोग्राफी में भी कैमरे के लेंस के आगे पोलराइज डिस्क यूज़ की जाती हैं ताकि हम वो डिटेल्स भी देख सकें जो कि अदरवाइज ग्लेयर की वजह से नहीं देख पाएंगे जैसे कि इन टू पिक्चर्स को कंपेयर करें राइट right वाली पिक्चर में नॉर्मल कैमरे से ली गई है जबकि लेफ़्ट वाली पिक्चर में कैमरे लेंस के आगे पोलराइज डिस्क लगाने के बाद पिक्चर खींची गई है सेकेंड एप्लीकेशन है ऑप्टिकल एक्टिविटी इसका यूज आमतौर पर शुगर मिल्स में किया जाता है ताकि शुगर की कंसंट्रेशन मालूम कर सकें उस सॉल्यूशन में जो कि के शुगर केन्स से ऑप्टेन किया जाता है जैसे गन्ने रस इस कंसंट्रेशन को मैयर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है वो है पोलरीमीटर इस नाम को देख के कुछ कुछ लग रहा है कि हम पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं वरना तो मैं भूल ही गया था कि हम क्या पढ़ रहे हैं पोलरी की कंस्ट्रक्शन कुछ इस किस्म की है एक एंड से अनपोलराइज लाइट एंटर होती है उसके सामने पोलराइजर है दूसरे एंड पे एनालाइजर है ऑब्जर्वर की आंख के सामने और बीच में है ट्यूब जिसमें क्रिस्टल लिक्विड या शुगर सोलूशन पड़ा हुआ है जिसकी हमने कंसनट्रेशन मैयर करनी है पोलराइजर से गुजरने वाली लाइट पोलराइज है जब वो शुगर सोल्यूशन वाली ट्यूब में से गुजरेगी तो डिपेंडिंग कि अपॉन कितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन है उतनी ज़्यादा रोटेट हो जाएगी बस इसी का नाम है ऑप्टिकल एक्टिविटी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कर्टन लेंस विंडो इसके लिए पोलराइजेशन शीट्स यूज़ की जाती हैं एक विंडो के अंदर से और एक विंडो के बाहर से लगाई जाती है अंदर वाली को रोटेट करके इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि जितनी लाइट हम चाहते हैं कि रूम के अंदर आए बस उतनी ही आए इसको समझने के लिए टू लेंस को देख लें इनर लेंस को रोटेट करने पे बाहर से आने वाली लाइट को कम ज़्यादा एडजस्ट किया जा सकता है नेक्स्ट एप्लीकेशन है कंट्रोल ऑफ हेड लाइट क्लियर यानी कि किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट से पड़ने वाली जो रोशनी आंखों में तंग करती है उसको कंट्रोल करना रात के वक्त हेडलाइट ग्लेयर से बचने के लिए तीन काम किए जाएँ तो सेफ ड्राइविंग पॉसिबल है नंबर वन हर गाड़ी जो है वो पोलराइज हेडलाइट्स यूज़ करें ताकि सोर्स से ही ख़राब लाइट ना निकले नंबर टू पोलराइज लाइट व्यूअर यूज़ करें पाकिस्तान में तो अभी तक ये नहीं आया लेकिन जिस तरह सन वाइजर होते हैं ना ऊपर कर दिया जाता है नीचे कर दिया जाता है ताकि रोशनी ना पड़े इसी तरह ये पोलराइज लाइट व्यूअर को नीचे कर लें तो आंख के अंदर चमक नहीं आती नंबर थ्री है पोलराइज ग्लासेस यूज़ की जाए ये बहुत कॉमन है और ये सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं होती पोलराइज लाइट से बचने के लिए होती है आखिरी एप्लीकेशन है स्ट्रेस एनालिसिस जब भी ग्लास पॉलीथीन या किसी और प्लास्टिक काउंटर स्ट्रेस रखा हुआ स्ट्रेस मतलब टेंशन नहीं बल्कि स्ट्रेस मतलब बेंडिंग ट्विस्टिंग या अनइवन हीटिंग हो जैसे कि ग्लास विंडो की बेस पर हीट सही नहीं आ रही तो अन ईवन हीटिंग की वजह से स्ट्रेस वेरिएशन हो रही है तो इस स्ट्रेस की वजह से ये चीजें डबली रिफ्रैक्टिंग हो जाती हैं और अगर वाइट लाइट में देखा जाए टू क्रॉस्ड पोलराइड्स के बीच में क्रॉस मतलब एक उसके सामने से और एक बैक साइड पर रख दिया जाए तो कलर्ड फ्रिंचज नजर आती हैं स्ट्रेन एरिया के पास कुछ और पिक्चर्स दिखाता हूँ ये तमाम चीज़ें थोड़ा प्रेस करके अंडर स्ट्रेस रखी गई हैं और टू क्रॉस्ड पोलराइड्स में से वाइट लाइट के थ्रू देखने पे कलर फ्रेंजेस नज़र आ रही हैं इस कलर डिफेक्ट को फोटो इलास्टिसिटी कहते हैं और इसका यूज़ किया जाता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के प्लास्टिक मॉडल्स में स्ट्रेस को एनालाइज करने के लिए Study with me a learning experience.